फिल्म स्टूडियो सेटिंग एंड लाइटिंग यूनियन के ये मजदूर के ये सब मजदूर है और उनका कहना है हम हमारे हक की लड़ाई सभी मजदूरों के लिए लड़ रहे हैं और खास करके 1500 लोगों की वजह से हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, हमें हमारा हक नहीं मिल रहा है और इनका आह्वान भी है कि सभी मजदूरों ने इस लड़ाई में उनका साथ देना चाहिए और जहाँ पे भी हमारा कैमरा या हमारा जो भी एपिसोड है जो लोग देख रहे हैं बट उनको भी कहना है कि इस मजदूरों की लड़ाई में आप भी इनको साथ दें। तो मैं अगला कुछ ये मौर्या जी बात करना चाहते हैं उनसे कुछ सवाल पूछता हूँ। बात मैं बोलता हूँ ये यूनियन 30 साल से बनी हुई है, आज तक इन वर्करों के लिए किसी ने भी ये लड़ाई नहीं लड़ा। आज जब 2013 में हमारे साथ में हमारे जनरल सेक्रेटरी गंगेश्वरलाल श्रीवास्तव जो जीत करके आए हैं और उनकी टीम पूरी जीत करके आई है, उन्होंने आज तक जो भी अटैचर जो शोषण करते थे उनके खिलाफ ये आवाज़ उठाई है कि हमारे वर्करों को हमारा पूरा हक मिलना चाहिए। दूसरी बात है जो ये वर्कर सुबह 6 बजे घर से निकलते हैं इनको सेट पर सेट लगाते समय इनको खाना देना चाहिए, प्रोड्यूसर खाना देने के लिए तैयार होता है तो ये कुछ दलाल आर्ट डायरेक्टर होते हैं और कुछ हमारे चमचे लोग होते हैं जिनके कारण ये चीज़ लागू नहीं हो पाती है। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से इस चीज़ को जल्द से जल्द इन लोगों के लिए खाना लागू कराया जाए। मौर्या जी मैं और इनको ये बातें तो हम पहुँचा रहे हैं आपकी बातें, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ अगर इस आंदोलन में प्रोड्यूसर लोगों ने या जो भी कॉन्ट्रैक्टर लोगों ने अगर वो ऐसा करते हैं कि आपका आंदोलन चलने दो हम दूसरे मजदूरों को लेंगे तो अभी आपकी अगली स्टेप क्या होगी उतना मुझे अगली स्टेप यही रहेगी कि हम चाहेंगे कि वो भी वर्कर कहीं ना कहीं हमारे यूनियन से जुड़े होंगे, हम इन्हीं वर्करों को आगे करके हम उन वर्करों को भी रोकेंगे कि भाई तुम्हारे ही दूसरे भाई हैं अगर उनके पेट पर लात पड़ा है कल तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा तो आप क्या करें। आपका ये आंदोलन शांतिपूर्ण मार्ग से हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक हमारे वर्करों का पूरा हक नहीं मिल जाएगा तब तक हम इस तरह शांतिपूर्वक से आंदोलन करेंगे। तो दोस्तों इस मजदूरों की लड़ाई में महाराष्ट्र वाइज वेब न्यूज इनके हक की लड़ाई में इनको पूरी तरह से साथ देगी और इनका आंदोलन यशस्वी होगा। हम चाहते हैं जो भी पॉलिटिशियन हैं जो भी इनके हक की लड़ाई में कहते हैं कि हम इसका साथ देना चाहते हैं वो आए और इनके साथ दें और इनका आंदोलन यशस्वी करें। धन्यवाद। महाराष्ट्र वाइज वेब न्यूज की तरफ से कैमरामैन सपना पंडागले के साथ देवीदास पंडागले MEW News। आपका निवेदन है तो ना आगे मैं करता हूँ। एक बात और भटिया साहब के बारे में।